अस्सलाम वालेकुम, आज मैं आपसे एक ऐसे टॉपिक डिस्कस करूंगी जो कि CDA अप्रूव भी हैं एंड LDA अप्रूव भी। लाहौर और इस्लामाबाद में अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं या फिर रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको चाहे फिर हाउसेस की रिक्वायरमेंट हो, विलास हो, अपार्टमेंट या फिर प्लॉट्स की हो, चाहे वो कमर्शियल प्लॉट्स हैं या फिर रेजिडेंशियल, दोनों की यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाते हैं। इन सोसाइटी से रिलेटेड मज़ीद मालूम जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखिए। आज का जो हमारा टॉपिक है, इट्स अबाउट पार्किव सिटी लाहौर एंड पार्किव सिटी इस्लामाबाद। सबसे पहले हम पार्किव इस्लामाबाद को डिस्कस करेंगे जो कि CDA अप्रूव्ड है एंड यहाँ पर आपको रेजिडेंशियल प्लॉट्स की भी कैटेगरीज मिल जाती है एज वेल एज कमर्शियल प्लॉट्स की भी। रेजिडेंशियल प्लॉट्स की बात करें तो यहाँ पे इसकी बैक इन हिस्ट्री को डिस्कस करें तो यहाँ पे जो प्लॉट्स आपको स्टार्टिंग में 35 लाख 40 लाख की मिल रही थी, वहीं अभी 75 लाख अप टू 80 लाख तक फॉल कर रही है। फ्रेश बुकिंग में हमारे पास जो ऑप्शंस आ रही है, ओवरसीज़ ब्लॉक में आपको फ्रेश बुकिंग मिल जाएंगी। जहाँ तक ए ब्लॉक, बी ब्लॉक, ए टू एच ब्लॉक्स हैं उनकी बात है तो वहाँ पर आपको रीसेल पर मिल जाती है। एंड फ्रेश बुकिंग में ओवरसीज़ ब्लॉक में आपको अभी जो है वो दो रेट्स की अवेलेबिलिटी मिलेगी। आप 65 लाख वाली बुकिंग भी ले सकते हैं जिसकी डाउन पेमेंट अराउंड 16 लाख हैं एंड यहाँ पर आपकी मंथली बेसिस पे नहीं जबकि क्वार्टरली बेसिस पे इंस्टॉलमेंट है। ओवरसीज़ ब्लॉक में अगर आपको फ्रेश बुकिंग चाहिए तो आप 65 लाख वाली बुकिंग में ले सकते हैं और अभी जो फ्रेश बुकिंग यहाँ पर चल रही है वो 80 लाख पर चल रही है। 21 लाख अराउंड इसकी डाउन पेमेंट है। ओवरसीज़ ब्लॉक में अगर आप बुकिंग करना चाह रहे हैं क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट पे आपके अराउंड 6 लाख है एंड इसके अलावा जो टोटल इसके टाइम पीरियड है डेट्स फॉर 2 ईयर्स। एंड 2020 में इसकी लॉन्चिंग की गई थी ओवरसीज़ ब्लॉक की एंड कुछ टाइम तक ही जो है दिसंबर तक यहाँ पे डेवलपमेंट का काम भी स्टार्ट होगा। ओवरसीज़ ब्लॉक में अगर आपको फ्रेश बुकिंग चाहिए तो यहाँ पर आपको जो ऑप्शन मिल रही है 5 मरला 10 मरला की ऑप्शन मिल रही है। यहाँ पे आप जो हैं रेजिडेंशियल प्लॉट्स में 5 और 10 मरला की कैटेगरी को अवेल कर सकते हैं जबकि अगर आपको कमर्शियल की रिक्वायरमेंट है तो उसमें आपको 6 मरला और 8 मरला की कैटेगरी की ऑप्शन मिल जाती है। पार्किव सिटी इस्लामाबाद की बात करें तो ये जस्ट नियरेस्ट टू बैरिया इनक्लेव है एंड इसकी लोकेशन काफ़ी जो है प्राइम है। इसके सराउंडिंग में बैरिया इनक्लेव है एंड इसके अलावा इट्स नियरेस्ट टू बनी काला जो कि इंतहाई बेहतरीन लोकेशन पर वाकिया है और यहाँ पर आपको दोनों कैटेगरीज मिल जाती है। अभी दो ब्लॉक्स हैं जिनमें आप फ्रेश बुकिंग कर सकते हैं, ओवरसीज़ ब्लॉक एंड हिल स्टेट। हिल स्टेट की पेमेंट प्लान की बात करें तो वहाँ पर भी जो आपको बुकिंग मिल जाती है 20 लाख में मिल जाती है और एंड देन मंथली इंस्टॉलमेंट नहीं क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट है, टोटल वो भी 2 साल के इंस्टॉलमेंट प्लान पर है। एज़ कम्पेयर टू ओवरसीज़ हिल स्टेट की लोकेशन ज़्यादा बेहतर है और ओवरसीज़ में ये डिफ्रेंशिएट आ जाती है कि एमिनिटीज़ का डिफरेंस होता है। और अगर ए ब्लॉक की बात करें, जो लोग चाहते हैं ऐसी जगह पर इन्वेस्टमेंट करें पार्किव सिटी में जो कि ऑलरेडी डेवलप्ड हो, तो आप ए ब्लॉक मेन एंट्रेंस से ही जब इंटर होते हैं तो पार्क आता है। पार्क के बाद जो है यहाँ पर रेजिडेंशियल हाउसेज जो हैं बने हुए हैं और बाकी अंडर कंस्ट्रक्शन भी है। यहाँ पर जो प्लॉट के रेट्स थे जो कि आपको स्टार्टिंग में 35 से 40 लाख में मिले थे, अभी वहीं आपको 1.5 करोड़ से 2 करोड़ के इन बिटवीन मिल जाते हैं। पार्किव सिटी इस्लामाबाद के मेन एंट्रेंस से जैसे ही आप इंटर होते हैं तो स्टार्टिंग में पार्क आता है, उसके बाद रेजिडेंशियल हाउसेस हैं एंड देन एक मॉस्क है जो कि लास्ट ईयर जैसे कि आप सबको पता होगा कि वहाँ पर वो जस्ट जो है लैंड थी एंड इसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट नहीं हुई थी बट वो अभी ऑलमोस्ट नियर टू पोजेशन है। विद इन फ्यू टाइम इसमें पोजेशन दे देंगे और इसके अलावा यहाँ पे जो लोग हैं वो रह भी रहे हैं लेकिन जो बाकी हाउसेस हैं वो अंडर कंस्ट्रक्शन है। मोस्टली जो डिवेलप्ड एरिया है उसमें ए और बी और सी ब्लॉक आ जाते हैं। एंड देन आपके पास अगर आपको फ्रेश बुकिंग में चाहिए तो आपके पास 2 ऑप्शन है, ओवरसीज़ ब्लॉक एंड हिल स्टेट। अब हम बात करते हैं पार्किव सिटी लाहौर के जो कि LDA अप्रूव्ड है एंड इसकी लोकेशन जो है मुल्तान रोड पर है, जस्ट अपोजिट टू DHA EME है। और यहाँ पर जो आपको जिन ब्लॉक्स में ऑप्शन मिल जाती है फॉर इन्वेस्टमेंट एज वेल एज रेजिडेंशियल पर्पज़ के, सो डिफरेंट ऑप्शंस है। पोजिशनेबल प्लॉट्स के भी आपको यहाँ पे इंस्टॉलमेंट की ऑप्शन मिल जाती है और फ्रेश बुकिंग भी आप यहाँ पर करवा सकते हैं। फ्रेश बुकिंग में अगर आपको ऑप्शन चाहिए इन पार्किव सिटी लाहौर तो उसमें ओवरसीज़ ब्लॉक की ऑप्शन है। ओवरसीज़ ब्लॉक में आपकी डाउन पेमेंट जस्ट 12 लाख 50,000 है एंड देन मंथली इसकी क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट है और साथ में जो इसकी टोटल प्राइस है डेट 50 लाख ओनली जो कि 2 ईयर के इजी इंस्टॉलमेंट प्लान पर है। प्रीमियम ब्लॉक में जो डाउन पेमेंट है डेट्स ओनली 16 लाख 25,000 एंड इसकी टोटल प्राइस 65 लाख है। और इसी तरह से 10 मरला की बात करें तो इसकी डाउन पेमेंट 32 लाख 50,000 है।
सिल्वर ब्लॉक की डाउन पेमेंट 30 लाख है, जबकि क्रिस्टन ब्लॉक की डाउन पेमेंट 32 लाख एंड 50,000। इनके टोटल प्राइसेस की बात करें तो सिल्वर ब्लॉक की जो टोटल प्राइस है डेट 60 लाख ओनली, एंड जो है क्रिस्टन ब्लॉक की 65 लाख है। पर्ल ब्लॉक में आपको यहाँ पे सबसे जो है ओवरसीज ब्लॉक की बात मिनिमम रेट में मिल जाएंगे। लाहौर में जो पार्की सिटी है वहाँ पर आपको सबसे मिनिमम में फर्स्ट ऑप्शन जो मिल जाती है फॉर इन्वेस्टमेंट डेट्स ओवरसीज ब्लॉक, उसके बाद आपके पास पर्ल ब्लॉक आ जाते हैं। इसकी टोटल प्राइजेस 55 लाख है, इसकी डाउन पेमेंट जो है 27 लाख एंड 50,000 है। बेसिकली ये पोजिशनेबल प्लॉट है जो कि आपको इंस्टॉलमेंट की ऑप्शन में मिल रहे हैं, एंड अगर आपको इसमें फ्रेश बुकिंग चाहिए तो इसकी डाउन पेमेंट जस्ट 30% होगी, बट अभी ये पोजिशनेबल है तो यहाँ पे 40-45% आपकी बुकिंग अमाउंट होगी। हाउसेज इंस्टॉलमेंट की बात करें पार्की सिटी लाहौर में, तो आपको 5 मरला और 10 मरला के हाउसेज की इंस्टॉलमेंट की अपॉर्चुनिटी मिल रही है। 5 मरला में जो है आपकी जस्ट 30% बुकिंग अमाउंट होगी, एंड देन रिमेनिंग जो है आपने 2 ईयर कीज इंस्टॉलमेंट पे करनी है। टोटल जो कॉस्ट है हाउस की डेट्स 1 करोड़ 40 लाख, एंड इसमें आपको दो डिज़ाइन में मिल जाते हैं, स्पेनिश में मॉडर्न एंड क्लासिक 3 डिज़ाइन है टोटल, जिसमें से आप कोई भी डिज़ाइन सेलेक्ट कर सकते हैं, इसके अकॉर्डिंगली आपके चार्जेस होंगे। और ये आपको 2 ईयर की इजी इंस्टॉलमेंट पे मिल रही है, जबकि आपने जस्ट यहाँ पे 30% बुकिंग अमाउंट करनी है, उसके बाद जो है आपकी हाउस की कंस्ट्रक्शन साथ साथ होगी। पार्की सिटी लाहौर या फिर पार्की सिटी इस्लामाबाद से रिलेटेड आपकी फर्दर कोई भी क्यूरीज है या फिर आप इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।